आज का टॉप डिफेंस अपडेट। H4 सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड रिमोटली ऑपरेटेड माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल डेवलप कर रही है। ROMPB एक विशेष मिशन सपोर्ट प्लेटफॉर्म है जो माइंस क्लियरेंस के लिए डिजाइन किया गया है। इसे रिमोट से ही दूर से ही ऑपरेट किया जा सकता है, जिससे सोल्जर की जोखिम कम हो जाएगी। HAL सारस मार्क 2 का मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने की तैयारी कर रहा है। सारस मार्क 2 एक 19 सीटर एयरक्राफ्ट है जो भारत के पिछड़े क्षेत्रों में एयर कनेक्टिविटी का गैप फिल करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह इंडिजीनियस प्रोजेक्ट CSIR NAL के द्वारा लीड किया जा रहा है। भारत इस वीकेंड PM मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में श्रीलंका और बांग्लादेश सहित अपने कई पड़ोसी देशों के नेताओं को आमंत्रित कर सकता है। PM मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए पूरी तरह तैयार है। DRDO और GTRE का प्लान है कि LCA तेजस ट्रेनर एयरक्राफ्ट में ड्राई कावेरी इंजन का एक वेरिएंट इंटीग्रेट किया जाए, लेकिन ये इंटीग्रेशन सिर्फ ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट के लिए होगा और इसका मकसद ऑपरेशनल फाइटर जेट में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड F404 इंजन को रिप्लेस करना नहीं है। यह सिर्फ एक एक्सपेरिमेंटल फेज होगा। DRDO ने इंडियन सोल्जर की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। वाप्स 8x8 व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म के लिए लाइटवेट एडोन कंपोजिट आर्मर डेवलप किया है जो व्हीकल की मोबिलिटी और इफिशेंसी को बढ़ाता है, साथ ही ज्यादा सुरक्षा प्रदान करता है। वेदा एरोनॉटिक्स एक इंटरसेप्टर मिसाइल डेवलप कर रही है जो मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग इंडोरेंस और हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग इंडोरेंस UAV से लॉन्च की जा सकती है। इस इंटरसेप्टर मिसाइल सिस्टम का उद्देश्य अनऑथराइज्ड ड्रोन द्वारा उत्पन्न सुरक्षा चिंताओं को दूर करना है। चीन के रिसेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तिब्बत में स्पेशली एयर बेस का एक्सपेंशन डिस्प्यूटेड बॉर्डर रीजन के पास इंडिया में चिंता का कारण बन गया है, क्योंकि एयर बेस का एक्सपेंशन ये इंडिकेट करता है कि शायद चीन हाई एल्टीट्यूड पर एडवांस एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करने के लिए नई टेक्नोलॉजी टेस्ट कर रहा है। भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम बुधवार को एक सहकर्मी के साथ तीसरी बार अंतरिक्ष में गई और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए 25 घंटे की उड़ान पर बोइंग के स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान में सवार होने वाली पहली सदस्य बनकर इतिहास रच दिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बुधवार को PM मोदी को लगातार तीसरी जीत पर बधाई दी है और कहा है कि वह अगले सप्ताह स्विट्जरलैंड में रूस यूक्रेन युद्ध पर होने वाले शांति शिखर सम्मेलन में भारत की उपस्थिति का प्रतीक्षा करेंगे। इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट में जरूर दें, बाकी लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।